हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उड़ता पतंग। तो आज हम लोग एथर से रिलेटेड एक नए वीडियो को लेकर के हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आप अपने चार्जर को घर में कैसे सेटअप करें। एथर स्कूटर के साथ दो तरीके का चार्जर आता है, पहला कैटेगरी है पोर्टेबल और दूसरा कैटेगरी है एथर डॉट। तो जो पोर्टेबल कैटेगरी होता है ना, उसमें भी दो टाइप के चार्जर आजकल आते हैं डिफरेंट पावर स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो जो पहला वाला आता है, जो कि फ्लैगशिप मॉडल 450X के साथ आता है, उसमें आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है, जिसमें आप 4.5 आवर्स में आप फुल चार्ज कर सकते हैं 0 to 100%। और जो दूसरा मॉडल आता है, जो 450S और इन सब के साथ बंडल होकर के आता है, वो सब में थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है चार्ज करने के लिए। बट आज हमारा वीडियो चार्जर के स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं है, आप अपने घर में चार्जिंग इकोसिस्टम को कैसे सेट करें उसके बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ट्रैवल एंड ड्रोन से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं, और रिसेंटली मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन सारे वीडियोस का अपडेट आपको लाइव मिलता रहेगा नोटिफिकेशन में, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है चार्जिंग सेटअप करने से पहले, जैसे कि आप कौन सा वायर लेने वाले हो, आपका जो प्लग पॉइंट है उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा। फॉर एग्जांपल, जो एथर का चार्जर आता है पोर्टेबल, वो आपका 5 एम्पियर वाले सॉकेट से भी काम चल जाता है, आपको 15 या 16 एम्पियर वाले जो बड़े पावर सॉकेट होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको 5 एम्प वाला जो सॉकेट है वो आपको लगाना है, जो नॉर्मल आपके घरों में लगा हुआ रहता है वॉल सॉकेट पे, जिससे आप मोबाइल चार्ज करते हो या फिर कोई भी अप्लायंसेस को प्लग इन करते हो, वो आपका आराम से चल जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, आपका जो डिस्टेंस है, आप जैसे मान लो अगर आप अपार्टमेंट के सेटिंग में रह रहे हो, तो आपका जो पार्किंग एरिया असाइंड है और जहां से आपका कनेक्शन आ रहा है अपार्टमेंट का, वहां से आपको वायर खींचनी पड़ेगी, क्योंकि आप पब्लिक स्पेसेस से वायर नहीं खींच सकते, क्योंकि बाकी नेबर्स और जो मैनेजमेंट कमेटी है वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका बिलिंग जो है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कॉमन नहीं जा सकता है सोसाइटी के ऊपर। तो ये आपके मीटर से ही वायर खींच कर लेकर आएंगे और उससे सॉकेट ज्वाइन करके आपके पार्किंग एरिया में सेटअप कर देंगे। तो आप लोकल इलेक्ट्रिशियन से भी ये सब आप सेटअप करा सकते हो, आप उनको बता दो भैया मुझे एक 3 पिन प्लग वाला सॉकेट इंस्टॉल कराना है। और मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल स्विच के बदले MCB को ऑप्ट इन किया, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर लगा मुझे, ज़्यादा सेफ लगा। अगर पावर सर्ज भी होता है तो फिर आपका जो MCB है वो नीचे गिर जाएगा। नॉर्मल स्विच लगाते तो कोई इशू नहीं होगी, बट फिर भी अगर पावर सर्ज होता है तो वो अपने आप ट्रिप नहीं करेगा, पावर वो ड्रॉ करता रहेगा, तो थोड़ा हजार्डस हो सकता है। तो आई विल सजेस्ट इस पर्पज़ के लिए स्पेसिफिकली आप MCB को एज ए स्विच यूज़ कर सकते हैं अपने 3 पिन सॉकेट में पावर इन लाने के लिए। तो इस पर्पज़ के लिए आपको जो इलेक्ट्रिक वायर लेना है, वो अराउंड 2.5 square mm का अगर स्पेसिफिकेशन का रहा तो बेस्ट है, इससे ज़्यादा थिकनेस की वायर आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट भी उसका थोड़ा हाई होता जाता है, जैसे जितना थिक होता जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल वायर। और इंसुलेटेड वायर ही लें, अच्छे ब्रांड का लें, क्योंकि इसको फायर सेफ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा अपने पार्किंग लॉट में देखोगे नहीं कि आपका अगर कुछ स्पार्क वगैरह आ रहा है तो आप मॉनिटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सामने नहीं होता है। तो इसीलिए अच्छे क्वालिटी का वायर लेना बहुत ही मस्ट है इस पर्पज़ के लिए। इससे एक स्टेप पतला भी आप ले सकते हो, काम चल जाएगा आपका। बट अगर आपका डिस्टेंस पार्किंग लॉट से और आपका जो मीटर जहाँ सेटअप है वहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लाइक 15-20 मीटर से भी ज़्यादा है, आपका जो करंट रन थ्रू है वो ठीक प्रॉपर मिल जाएगा आपको, तो इट्स बेटर कि आप इस स्पेसिफिकेशन का वायर यूज़ कर सकते हैं। नीचे मैंने लिंक डाल दिया है, अमेजन पे भी ये वायर्स अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप में भी आपको आराम से ये वायर्स मिल जाएंगे, और एक छोटा सॉकेट आपको मिल जाएगा एक स्विच कॉम्बिनेशन के साथ 3 पिन सॉकेट, बस हो गया। और जो इलेक्ट्रिशियन है वो उसको आप अच्छे से बता दो कि आपके जो मीटर से वायर लेकर के आना है उसका जो 3 कोर है प्लस माइनस और अर्थिंग, ये सब अच्छे से कनेक्ट कर दें, लूज नहीं होना चाहिए, और फिर आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके वायर सेटअप करा सकते हैं। हो गया, इतना ही सिंपल था। आप वीडियो में देख सकते हो कि हमने अपने पार्किंग लॉट में इस तरीके से इसको एक प्रॉपर हाइट मेंटेन किया, ताकि जो बच्चे हैं वो उंगलियों को ना डाल दें या फिर स्विच ऑन ऑफ कर ना करें, उसको एक खेलने का ऑब्जेक्ट ना बना दें, क्योंकि वो बहुत हजार्डस हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकती है। तो ऐसे हाइट पे लगा दें कि 5-6-7 साल के बच्चे आराम से ऊपर रीच नहीं कर सकें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से अगर बारिश के टाइम में अगर वाटर लॉगिंग का इशू है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सॉकेट को एक प्रॉपर अराउंड 5 feet 5 inch के हाइट पे आप लगाएं, तो थोड़ा सेफ रहेगा आपका। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर, बस और कुछ नहीं, आपका सेटअप तैयार।
और जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि एथर ने अब चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, उनके जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है जहाँ पे आप चार्ज करते हो, तो पहले तो फ्री था, अब पर मिनट 1 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा महंगा है। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आप घर में सेटअप कर लें, आपको सस्ते दाम पे चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा टिप ये है कि अगर आप एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय हैं तो आप चेक करें कि आपके पार्किंग लॉट में, ऑफिस स्पेस में, वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि आजकल बहुत सारे कंपनी इनकरेज करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो और चार्जिंग इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं अपने पार्किंग लॉट में। तो मेरे केस में तो कम्प्लीटली फ्री है, मैं हर वीक एक दिन जाता हूँ और अपने स्कूटर को चार्ज कर लेता हूँ 0 to 100 और मेरा काम आराम से पूरे वीक का चल जाता है। इस वजह से एक्चुअली खरीदने के बाद मेरा चार्जिंग कॉस्ट 0 है। एक्चुअली हमारा ये पूरा सेटअप करने में कॉस्ट अराउंड 5000 के आसपास आया, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस था पार्किंग स्पेस का और हमारा जो मीटर जहाँ पे सेटअप किया हुआ है वो डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा थी, इसके वजह से हमें लंबी वायर लेनी पड़ गई। बट डिपेंडिंग ऑन आपका डिस्टेंस आपका कॉस्ट डाउन हो सकता है ड्रास्टिकली, क्योंकि पर मीटर वायर का कॉस्ट सबसे ज़्यादा इसमें जाता है और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं। आपका इलेक्ट्रिशियन जो फिर आपका घर आने का जो चार्ज लेगा इंस्टॉलेशन का, बस वही एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा हमारे छोटे से चैनल को। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को कैसे चार्ज करते हो और क्या फ्रिक्वेंसी है आपकी चार्ज करने की, क्या आप 0 to 100 हमेशा चार्ज करते हो या फिर ऑप्टिमाइज चार्ज करते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।